हेलो वेलकम गाइस। सो ये वीडियो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगा ऑनबोर्डिंग प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग प्रोसेस का। सो जैसा कि आपको पता है, प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या हुआ था कि आपके मॉड्यूल्स असाइन किए गए थे, उस मॉड्यूल्स में कुछ सेट ऑफ कोर्सेज थे आप जिसे आपको कंप्लीट करना था। तो इसी बीच अब क्या आया है कि सभी स्टूडेंट को ईमेल आना स्टार्ट हो गया है कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड। अब ये कोडिंग कॉन्टेस्ट क्या है, ये कैसे ईमेल आया है, तो वो सारा आपको मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा उसका, कि कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड जो ईमेल आया है, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरह आपको TFA में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या आपको भी ये कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड आपको ईमेल आया है क्या? अगर ईमेल आया है तो फटाक से आपको एक काम करना है, कमेंट कर देना है। कमेंट करके आपको बता देना है कि आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड ईमेल कब आया है और आपका असेसमेंट कब है। जैसा कि अभी मैं इसके स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा कि कुछ स्टूडेंट का असेसमेंट अलग अलग डेट पर है, तो आपका कब है आप पहले वो बता देना। असेसमेंट मतलब कोडिंग कॉन्टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका कब है वो बता देना। और दूसरी बात, सबसे पहली बात आप ये बता देना कि आपको लर्निंग मॉड्यूल कब असाइन हुआ था, यानी आसपास में कि कितने दिन पहले असाइन हुआ था, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि आप जब कमेंट करोगे तो आप ही की तरह और सब भी स्टूडेंट होंगे जिसे सपोज कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड ईमेल नहीं आया होगा अभी तक, तो वो जब आपके कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी अंदाजा होगा कि अच्छा इस डेट के स्टूडेंट सबको आना स्टार्ट हुआ है या फिर इसको नहीं आया है अभी तक। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे और एक दूसरा स्टूडेंट हर कोई जान पाएगा कि अच्छा क्या प्रोसेस चल रहा है या फिर क्या ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो ईमेल दिखा देता हूँ कि ईमेल क्या आया है, ठीक है, तब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप ईमेल देखोगे, ये ईमेल आया है क्या, प्री लर्निंग की तरफ से। ये प्री लर्निंग एसेंचर नहीं, एसेंचर के प्री लर्निंग, ठीक है, के प्री लर्निंग सेक्शन से आया है। तो जैसा कि आप इसके ईमेल की बॉडी देखोगे तो बॉडी तो दिया हुआ है कि इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए आपका कब होगा। तो हेडिंग अगर देखो, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, प्लीज़ रीड इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन कोडिंग कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग कोडिंग कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप ये कोडिंग कॉन्टेक्स्ट आखिर है क्या, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, बाकी कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, एडवांस योर फ्यूचर, ओके, ये तो इनका लाइक लर्निंग मॉड्यूल्स का साइन है कि एसेंचर लर्निंग सेमिनस। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने बाकी कुछ डिटेल्स दे रखे, तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये आखिर डिटेल्स है क्या। तो अगर आप ये डिटेल्स देखोगे तो इन्होंने क्या कह रखा है, एसेंचर प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग कोडिंग कॉन्टेक्स्ट अपडेट कॉन्टेस्ट अपडेट। तो प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग जो आपको मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी लर्निंग प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग से ही रिलेटेड आपका ये क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट होने वाला है। इस कॉन्टेस्ट में क्या होगा, जितने भी आपको कोडिंग्स होंगे ये सारे कोडिंग्स किससे रिलेटेड होंगे, आपके प्री ऑन लर्निंग से रिलेटेड जो भी हैं आपके कोर्सेज वगैरह, सिर्फ और सिर्फ उसी से होंगे। तो अगर आप इसमें देखो, इन्होंने 3 कोडिंग कॉन्टेस्ट रखे हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो मॉक असेसमेंट होगा वो आपको इससे मिल जाएगा, आपको शेड्यूल्स किया जाएगा, उसके भी लिंक वगैरह डिटेल्स आपको आगे चल के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि इसके लिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। तो डियर लर्नर, तो आप ज़रूर यार ये कमेंट करके बता दो कि आपको ये ईमेल आपको भी आया है कि नहीं आया है, ठीक है, अगर आया है तो कब आया है, आप ये कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। डियर लर्नर, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉन्टेस्ट प्लान एज पर द बिलो शेड्यूल। सो ये जो 3 शेड्यूल हैं जावा के कोडिंग कॉन्टेस्ट जो होने वाले हैं कॉन्टेस्ट, ये 29 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। सभी का टाइम अगर आप देखोगे 10 AM से 11 AM तक है। आपका क्या टाइम, आप वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का काम क्या होगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट जिनको जिनको ये लिंक मिला है, ये मॉड्यूल जिनको जिनको ये कोडिंग कॉन्टेस्ट का आ गया है ईमेल, सिर्फ और सिर्फ यार प्लीज़ वो सारे स्टूडेंट ही जुड़ना, क्योंकि सब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में सब हर कोई अगर जुड़ने लगोगे तो यार वो फुल हो जाता है, फिर दूसरा क्रिएट करना पड़ता है, सारा इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस स्टूडेंट को ये प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग के कोडिंग कॉन्टेस्ट का मिला है, आप वही ज्वाइन करना। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तब फिर हम लोग सारे उस कोडिंग क्वेश्चंस जो आएंगे उस पर डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और वो किस तरह हेल्प करेगा आपको आगे के असेसमेंट में, TFA में आपको किस हिसाब से हेल्प करेगा, हम लोग सारा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन द कोडिंग कॉन्टेस्ट प्लान्ड एज पर द बिलो शेड्यूल। वी वुड लाइक टू रिटेट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड द कोडिंग कॉन्टेक्स्ट विच प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस वॉट यू हैव लर्न। सो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने कह रखी है कि ये जो आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट दिया जा रहा है, इसमें आपको अटेंड इसलिए भी करना है कि आपने अभी तक की लर्निंग में कहाँ तक पहुँचे, आपका क्या पोजिशन है, आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो,
तो ये कोडिंग कॉन्टेस्ट से आपको सारा पता चल जाएगा कि लाइक आपका क्या लाइक मतलब कहाँ तक आपकी लर्निंग हो चुकी है, राइट। तो उसी के बेस पे ये लोग उसी को डिफाइन करके ये क्या किए हैं, ये कोडिंग कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन किए, कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन किए हैं, सॉरी बार बार कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बोला जा रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे द एक्सपीरियंस वुड बी वेरी मच हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। सिंपल सा बात है कि जब आप असेसमेंट दोगे तो आपको जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये सारे चीज़ आप नहीं जानते हो या फिर ये सारे चीज़ जानते हो, तो इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पता चल जाएगा कि ये जो एसेंचर का आगे TFA होने वाला है, आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है मेन एग्ज़ाम जो आपका बताएगा TFA ही बताएगा आपको कि आप TCS में जॉब कर पाओगे या फिर आपका पत्ता उड़ेगा, तो आप में ये कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, आपका क्या कैपेसिटी है, आप कहाँ तक पहुँचे हो, तो ये सारा आपको असेसमेंट बताएगा। ये असेसमेंट इस तरह से ही ये लोग डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल प्रिपेयर यू फॉर द टेक्नोलॉजी असेसमेंट टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स असेसमेंट डैट यू विल हैव बिफोर यू ज्वाइन अस। सो सिंपल सा बात है कि आप जो ये कोडिंग कॉन्टेक्स्ट में भाग लोगे तो ये कोडिंग कॉन्टेस्ट ही आपको प्रिपेयर करेगा TFA के लिए। तो यार सबसे पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कभी भी गलती से भी आप ये तीनों कोडिंग कॉन्टेस्ट मिस मत करना, कभी भी नहीं मिस करना, यही बेहतरीन मौका है आपको आपके TFA के लिए प्रिपरेशन करने का भी। बाकी आप स्टार्ट करो, फिर हम लोग एक पर्टिकुलर सेशन चलाएंगे जिसमें से जिस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ TFA के लिए बात करेंगे। सो दोस्तों मैं चाह रहा हूँ क्या कि एक TFA से रिलेटेड एक वीडियोस बनाऊँ, 4-5 मिनट का शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा, उसमें TFA से रिलेटेड सारे उनके सिलेबस सारे पैटर्न्स वगैरह पर डिस्कस करेंगे, कैसे आप प्रिपरेशन उसकी कर सकते हो, हम लोग सारा उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियोस जल्द से जल्द बनाऊँ, क्योंकि असल में ना अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, अगर आप मतलब चाहते हो कि नहीं ये जल्द से जल्द नेक्स्ट वीक तक आ जाए, तो यार प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताओ, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा और मैं चाहूँगा कि जितने से जल्द मैं भी टाइम निकाल के आपका वो TFA से रिलेटेड भी जो है पूरा एक कंप्लीट जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ TFA से रिलेटेड एक वीडियोस बनाओ। तो यार अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो कमेंट करके आप हमें बताओ कि या सच में आप चाहते हो, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम भी कोशिश करेंगे जितना जल्द तक हम ये आपको वीडियोज़ आपके सामने ला के दे दें। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियोस को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यार आप कमेंट कर दो, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो कोडिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है तो इसके असेसमेंट इनके क्वेश्चंस वगैरह पे भी हम लोग तो बात करेंगे ही करेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएगा कुछ तो इससे रिलेटेड भी आएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जब भी कोई वीडियोज़ बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो आप ये करके रख लो, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।